चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर विधानमंडल के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। कल इस बजट पर चर्चा होनी है। सत्र के पहले दिन सदन की शुरुआत के पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हम सभी के लिए दुखद है और अपूर्णीय क्षति है। मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े नेता रहे हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये तस्वीरें हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है और ये सत्र 3 दिनों तक चलेगा। और आज इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश कर दिया है। बता दें कि 3,700 करोड़ के अनुपूरक बजट इसमें पेश किया गया है और इस पर चर्चा कल होनी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे सीनियर करस्पेंडेंट शशांक श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि सर्वदलीय बैठक में इस बात की भी बताया गया था कि जो विधानसभा सत्र शुरू होगा उसमें नेताजी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद में इसको कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। और उसके बाद में इसमें जो अनुपूरक बजट है वो भी पेश किया गया है। क्या कुछ हुआ है आज की कार्रवाई में? देखिए, मैं आप सोच करना चाहूंगा कि आज के अनुपूरक बजट की अगर बात करें साफ तौर पे यहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त की गई। उसके बाद में वही दूसरी तरफ जेल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे, उन्होंने पार्टी के विधायक जो थे, उन्होंने सरकार को घेरने के लिए विधानसभा में ही स्थित मूर्ति के पास में प्रदर्शन किया। वही दूसरी तरफ की अगर बात कर ले तो बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद में कल तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दिया गया और कल अनुपूरक बजट पे चर्चा होनी प्रस्तावित है और कल अनुपूरक बजट पेश कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में अनुपूरक बजट पे पहले चर्चा हुई, उसके बाद में सदन की शुरुआत हुई। फिलहाल सदन 11 बजे तक कल स्थगित कर दिया गया और कल चर्चा होने के साथ में बजट पेश किया जाएगा और परसों इस पर क्या नाम है कि कमेंट्स लिए जाएंगे जी। और आज जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है इसमें क्या कुछ नए इशू को जोड़ा गया है, कौन कौन से विधेयक है इसमें और क्या कुछ चर्चा होनी है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अगर बात कर ले और जिस तरह से जो चीजें स्पष्ट रूप से निकल के सामने आ रही है, उससे साफ तौर पे जो ये बजट है ये लोक लुभावना बजट बता रहे हैं। जहाँ पर समाजवादी पार्टी वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बजट पेश करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि ये बजट जो है वो शहरों के समुचित समग्र विकास के लिए। बजट के बारे में अगर बताऊं, टोटल जो बजट है वो आपका अलग अलग विभागों के लिए है। ग्राम विकास के लिए 4,000 रुपए, निजी औद्योगिक पार्कों की अवस्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए, स्टार्टअप और इनक्यूबेटर के लिए 100 करोड़, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 296 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा 8,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी इंडस्ट्रियल पार्क वहां विकसित करने के लिए दिया है। पीएम गतिशील योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो साफ तौर पे आज 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है विधानसभा में पेश किया गया है और इसी पर आज कल चर्चा होगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर योगी सरकार ने आज 33,700 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया है और इसी के साथ में सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।